हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन राइज के चैनल पर स्वागत है। आज अपन देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10th की विज्ञान की जो टॉपर स्टूडेंट है उसकी कॉपी देखेंगे। उसके 80 में से 80 मार्क्स यहाँ पे आए हैं, तो आप भी इस कॉपी को देख के मोटिवेट होंगे और आप भी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टूडेंट ने किस तरह से लिखा है और किस तरह से आंसर दिए हैं, तो इस अपन इस कॉपी में देखेंगे। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई है 2022 उसकी कॉपी है, जो टॉपर स्टूडेंट हैं उसकी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है विज्ञान, और ये एग्ज़ाम हुई है 5 अप्रैल 2022 को, और यहाँ पे ये टॉपर हैं। और इसके यहाँ पे ये जो मार्क्स दे रखे हैं किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए हैं, और यहाँ पे देखिए इसके टोटल 80 में से 80 मार्क्स आए हैं, यानी कि पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। तो दो विद्यार्थियों, आप भी इस कॉपी को देखिए और अपने जो लिखने की जो ढंग हैं शैली हैं उसको भी आप देखिए। तो किस तरह से इसने आंसर दिए हैं बहुत ही सटीक अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेज है कॉपी का, यहाँ पे जो पेपर में आता है सबसे पहले देखो इसने खंड आ हैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग के रूप में लिखा है, और वो भी ब्लैक पेन से लिखा है ताकि एक कॉपी में एक अलग ही इसमें अच्छा लगे। तो आप भी यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे इसने सारणी बनाई है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं, 12 क्वेश्चंस हैं टोटल, और नीचे यहाँ पे उत्तर लिखे हैं अगले कॉलम में। तो जिस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहाँ पे इसने लिखा है। तो इस प्रकार से सारणी से यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसने जो भी आंसर हैं वो सारे के सारे सही दिए हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जामिनर ने यहाँ पर इसके पूरे में से 12 में से 12 नंबर दिए हैं। तो आप भी इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से राइट से आंसर लिखें, तो आपके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे इस स्टूडेंट्स ने दूसरा जो प्रश्न लिखा है, इसके भी अलग अलग दूसरे क्वेश्चन में जो अलग अलग खंड आते हैं, तो यहाँ पे इसने जिसके जो आंसर दिए हैं वो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखे हैं ताकि जो एग्जामिनर होता है उसको तुरंत ही जो आंसर हैं वो दिख जाए और सही से वो आपको मार्क्स दे दें। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे यहाँ पर उसने यहाँ पर कॉपी को यहाँ पर लिखा है कॉपी में। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसने लिखे हैं, और यहाँ पे इसलिए इसके पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी इसने जो आंसर होता है उसको यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ब्लैक पेन को यूज़ किया है, तो आप भी यहाँ पे ब्लैक पेन को काम में ले सकते हैं। इसके बाद इसने यहाँ पर अगले क्वेश्चन में यहाँ पर इस प्रकार से आंसर लिखे हैं, और यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन में जो डायग्राम आया है वहाँ पर इसने देखो बहुत ही शानदार डायग्राम बनाया है, और साथ ही डायग्राम को यहाँ पर इसने नामांकित भी किया है, और इसलिए यहाँ पे जो उसको एग्जामिनर होता है वो नंबर पूरे में से पूरे देने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन से अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से हैं, तो यहाँ का जो इसका जो हेडिंग है इसको धारा नियंत्रक इसको यहाँ पे इसने ब्लैक पेन से लिखा है, उसको अंडरलाइन किया है, और उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर इसका आंसर लिखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब किसी क्वेश्चन में अंतर पूछा जाता है उसके तुलना की जाती है, तो यहाँ पे इसने सारणी बनाई है, और सारणी में जो हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से लिखा है, और एक बहुत ही सटीक शब्दों में इसने इसके आंसर दिए हैं। इसके बाद अगला आता है खंड बी है, तो यहाँ पर वापस इसने ब्लैक पेन को यूज़ किया है और खंड बी को हेडिंग दे दिया है ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि यहाँ से खंड बी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उसके हेडिंग लिखे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी यहाँ पे इसी तरह से लिख करके पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की ओर अपन बढ़ते हैं, तो इसने देखो बहुत ही शानदार शुद्ध लिखावट में लिखा है, कॉपी एकदम क्लियर है, और यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चंस में अगर कहीं भी डायग्राम को अगर प्रश्न आया तो वहाँ पर इस देखो इसने कितने सुंदर डायग्राम बनाए हैं अमेंडक का, चिपकली का, और इसके बाद यहाँ पर हैं तो जहाँ पर हेडिंग लिखे हैं वहाँ पर इसने ब्लैक पेन का यूज़ किया है, उसको हाईलाइट किया है, और यहाँ पे बहुत ही शानदार डायग्राम बनाया है। देखिए ये धातु पर भाव की क्रिया का नामांकित चित्र हैं, और इसको यहाँ पे प्रत्येक को इन्होंने यहाँ पे नामांकित भी किया है, जिससे यहाँ पे इसके देखिए पूरे में से पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, और जहाँ पे रासायनिक समीकरण आती है वहाँ पे समीकरण भी लिखी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में फिर से एक डायग्राम है, और इसने देखो इस डायग्राम को कितने बहुत अच्छे से बनाया, तो आप भी इस तरह से डायग्राम को बनाइए और जिससे कॉपी में आंसर हो वो अच्छा लगे और उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अगले क्वेश्चंस में भी यहाँ पे इसने जो आंसर लिखा है उसको डायग्राम के द्वारा इसने बताया है, और यहाँ पे रासायनिक समीकरण भी लिखी हैं,
और यहाँ पे भी परिभाषा के साथ में यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखी है इस क्वेश्चन में। इस तरह से आपको भी आंसर लिखने हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले उनको सही से लिखना है। और यहाँ पे आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं हेडिंग के रूप में, या जहाँ पर आपको आंसर को हाईलाइट करना है वहाँ पर। तो इस तरह से पूरे में से पूरे आपके मार्क्स आ सकते हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पर भी इसके पूरे में से पूरे मार्क्स हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए एग्जामिनर बहुत ही इससे प्रभावित हुआ, इसलिए यहाँ पे इसने वेरी गुड बिल दे दिया इसको, इसके आंसर को। यहाँ पे ये क्वेश्चन हैं जिसमें यहाँ पे सन्निकरण में तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है, उसका जो व्यंजक बनता है उसको पूरा यहाँ पे हल किया है। देखिए यहाँ पे एक और ये जो आंकिक प्रश्न आया है, यहाँ पे भी एग्जामिनर बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए यहाँ पे इसने एक्सीलेंट लिखा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस स्टूडेंट ने अपनी कॉपी में आंसर लिखे हैं, और बहुत ही सटीक और एकदम सही से, इसलिए पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। देखिए यहाँ पे जो परिनालिका का प्रश्न है, तो परिनालिका के प्रश्न में यहाँ पे इसने वर्णन भी किया और साथ में डायग्राम भी बनाया है, और इसको डायग्राम को नामांकित किया है। यहाँ पे पूरे में से पूरे 2 में से 2 अंक मिले हैं। इसी प्रकार अगला आता है खंड सह, यहाँ पे हैं तो वापस इसने खंड सह को भी अलग से यहाँ पे एडिंग दे दिया है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि कौन से खंड कहाँ से शुरू हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे प्रश्न संख्या भी क्लियर लिखी है और अब उस पर घेरा कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है यहाँ पे बहुत ही शानदार, और देखिए कितना बहुत ही शानदार डायग्राम बनाया है और इसको नामांकित भी किया है। तो आपको भी जहाँ पे भी प्रश्न में कई जिस प्रश्न में आपको डायग्राम है, तो डायग्राम आपको जरूर बना रहे उसको नामांकित भी करना है, ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिलें। इसके बाद ये देखो इस प्रकार से इसने रासायनिक अभिक्रिया दर्शाई है और विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखा है, और यहाँ पे विद्युत मोटर का बहुत ही शानदार डायग्राम बनाया है, इसकी कार्यप्रणाली समझाई है। और इस प्रकार से इसने पूरी कॉपी में देखे, यहाँ पे भी जो इसने आंसर लिखा है उसको वापस डायग्राम के द्वारा भी उस आंसर को किस तरह से उसके जो आते हैं रिजल्ट आते हैं उसको बताएं, यहाँ पे दोनों इसने बताए बहुत ही शानदार तरीके से। और इसमें लास्ट में आता है जो खंड द हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न में इसके रासायनिक सूत्र पूछे हैं, तो इन्होंने प्रश्न और जो आंसर है उनको वापस ब्लैक पेन से लिखाया ताकि हाईलाइट एग्जामिनर को सीधा ही आंसर नज़र आ जाए। जिप्सम का यहाँ पे सूत्र है, या विरंजक सोन, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के चारों के सूत्र हैं, इसलिए पूरे में से पूरे यहाँ पे भी एग्जामिनर ने इसको मार्क्स दिए हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे इसने लिखे हैं, और ये भी बहुत शानदार तरीके से समझाया है। और यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसको भी बहुत देखिए डायग्राम से किस प्रकार से इसने इसको बताया है। अगला क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है, तो यहाँ पर भी इसने बहुत ही सटीक आंसर लिखे हैं, तो यहाँ पर बताएँ। और इस क्वेश्चन में देखिए इसने पर प्रश्न के साथ में इस डायग्राम को बना करके भी बताया है, ताकि एग्जामिनर बहुत ही इससे प्रभावित हो और जितने मार्क्स क्वेश्चन हैं वो पूरी तरह से पूरे मार्क्स देने की कोशिश करता है। तो आपको भी अपनी कॉपी में इस तरह से लिखना है दोस्तों, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं और पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो अपनी कॉपी में बहुत ही सही से और शुद्ध लिखावट के साथ में सही आंसर दीजिए, तो ताकि आपको भी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलें। तो इस तरह से दोस्तों ये कॉपी अपन ने देखी, जो राजस्थान टॉपर है 2022 का, उसके यहाँ पे कक्षा 10 के जो विज्ञान विषय का पेपर है उसकी ये कॉपी है। तो इस तरह से इसने कॉपी को बहुत ही सुंदर और सही लिखावट लिखी है, और यहाँ पे जहाँ पे प्रश्न में डायग्राम आते हैं वहाँ डायग्राम बनाए हैं, और बहुत ही सटीक आंसर दिए हैं, और ब्लैक पेन का भी यूज़ किया है, उसको अंडरलाइन किया है, उसको हाईलाइट किया है, और डायग्राम में बहुत ही अच्छे से इसने डायग्राम भी बनाए हैं, चित्र बनाए हैं। और यहाँ पे इसने जहाँ पे रासायनिक समीकरण है वहाँ रासायनिक समीकरण भी लिखी हैं, और जहाँ डायग्राम बनाए हैं वहाँ पे इसने इसको नामांकित भी किया है कि कौन सा भाग किसको दर्शाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कॉपी में अपनी कॉपी में लिखना है, और अपन इसमें आगे और जितने भी हैं 3-4 यहाँ पे टॉपर होंगे उनकी आगे की जो कॉपी है वो भी अपन आपको बताई जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपको भी अपनी कॉपी में वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर लिखने हैं, ताकि आप भी पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त करें और टॉपर बन सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।